तो साथियों देख सकते हो यहाँ पे पर्यटकों का प्रवेश निषेध है, और हम पर्यटक नहीं है, हम कौन है? We are the explorers. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slipping, speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done. अभी हम लोग हैं बिल्कुलवाड़ा में, और सर के जो बस्तर ट्रैवल होम स्टे है वहाँ रुके थे पिछले एपिसोड में, आप ऑलरेडी देख चुके हैं उसको। और अभी हम लोग जा रहे हैं परवा, क्या है परवा करके कोई एक गुफा है, वहाँ जा रहे हैं परवा अर्थात कबूतर वाला। तो बिल्कुल बड़ा से वहां तक जाएंगे और परवा वाले तो वो तो पूरा अनटच्ड होगा, अनएक्सप्लोर्ड होगा, बिल्कुल बहुत रॉ मटेरियल होगा वहाँ। हाँ। जो भी होगा, और जनरली फिर क्या होता है ना, हाँ कि ज़्यादा पर्यटक आते हैं तो गुफाओं को नुकसान ज़्यादा होता है। वो ऑब्वियसली बात है, कमर्शलाइज जिस चीज़ का होता है, हाँ, जंगल को नुकसान होगा, गुफा को होगा, और इसलिए कभी कभी जान बूझ के भी ना हम लोग भी अवॉइड करते हैं कि भाई ज़्यादा पर्यटक ना जाए वहाँ पर। अच्छा, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, हाँ हाँ, स्टडी पर्पज के लिए आ रहे हैं, तो उनको ही बोलते हैं कि भाई यहाँ चल दीजिए, ये देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ, आप मेरे आसपास देख सकते हैं, मैं अभी भी बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, हालांकि ढुला रहा हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। तो आसपास के जंगलों को देख करके आपको पता चल गया होगा कि मैं बस्तर के जंगल में ही हूँ, और आज मैं लेकर के जा रहा हूँ आपको परवा वाड़ा नामक एक ऐसा स्थान जो कि एक हिडन प्लेस है, गुफा है, काफ़ी खूबसूरत है, डेंजर भी है, बहुत मजे आने वाले हैं आपको आज के इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए आज के हमारे इस एपिसोड को। वैसे ये हसीन वादी आपको तो पसंद आ ही रही होगी, वीडियो को कंप्लीट देखें, चलो चलते हैं। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack a pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. मजा आ जा रहा है यार, रोमांच से भरा सफर, पूरा रोमांच से भरा हुआ। वो तो यहाँ केवल सूखे पत्तों की और चिड़ियों की आवाज़ ही आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मन भावन जिसको बोलते हैं। सावन, लेकिन गरज नहीं रहे यहाँ पर, ना बरस रहा। में जगह क्या दिखता होगा, पार करने का संभव ही नहीं होता होगा। अब इसके इस जमीन के अंदर वो पानी बहता है, जमीन के अंदर है ना, हाँ, ये उतरेंगे अपन, हाँ, ये इसी के नीचे में है वो पूरा, ऐसा अंदर ही अंदर गया। अच्छा, इसके नीचे गुफा है, अंदर ही अंदर वो रिवर है गुफा के अंदर। वो जो पानी जैसा जो भी ऊंचे के पहाड़ होंगे ना, तो वहीं से कोई स्रोत से मिलके इसी के अंदर अंदर वो बहते रहता है। वाह यार, जबरदस्त। दोस्तों अभी जिस लोकेशन में हूँ, आप एक बार 360 व्यू देख लीजिए इसका। ये एक नदी है, नाला है, क्या नाला है सर? कांगेर नाला का ही पार्ट होगा। हाँ, कांगेर नाला का ही एक हिस्सा है, कांगेर नाला का एक हिस्सा है। और सर बता रहे हैं कि जो परवा बाड़ा जो गुफा जाएंगे, तो वो हम जिस लोकेशन में अभी खड़े हैं उसके नीचे ही वो गुफा है। और उस गुफा का खासियत ये है कि ये जैसे नाला है, नदी है, उसके नीचे भी एक नाला नदी है, जो कि काफ़ी दूर से कोई पहाड़ी से ऐसा होते होते इसके नीचे से, मतलब मैं जिस लोकेशन में खड़ा हूँ यहाँ नीचे से वो नदी बह रही है और उस ओर जा रही है। तो हम लोग वो स्थान को जाएंगे और देखेंगे, और आपको भी दिखाएंगे कि नीचे एक नदी या नाला कैसे बह रहा है, जहाँ पे अभी चारों दिशाओं में सूखा पड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं ट्रैक पर। तो दोस्तों ट्रैक अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर चना वना खाए हैं और इस नाला के सहारे ही हमको आगे बढ़ना है।
फिर भी सर तो उतर गए, लेकिन हमारे लिए यहाँ स्पेशल सीढ़ी बना हुआ है, उसमें हम उतरते हैं।